Suppose you drop down two objects A and B having different masses from a height of 100 meter above the surface of Earth. The mass of A and B are 2 kg and 10 kg. आपने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिए, दो बॉडी लिए, एक का मास 2 kg और दूसरे का मास 10 kg और उनको आठवीं मंजिल से नीचे, ठीक है, आपने डाला. हाइट कितना है, 100 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ग्राउंड से उस बिल्डिंग का हाइट कितना है, 100 मीटर. 100 मीटर की ऊंचाई से आपने इन दो केजी और 10 केजी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका. व्हाट विल बी देयर स्पीड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. आफ्टर कवरिंग द नेक्स्ट 10 मीटर व्हाट विल बी देयर स्पीड. कैलकुलेट देयर स्पीड आफ्टर एवरी 10 मीटर डिस्टेंस. आपको क्या करना है, उसका स्पीड निकालना है. कैसे निकालोगे स्पीड, हाउ यू विल कैलकुलेट. तो पहले आपको डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए. टाइम इज गिवन 10 मिनट. राइट ना. व्हाट विल बी देयर स्पीड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. जब वो 10 मिनट की दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे आए, दैट इज डिस्टेंस इज गिवन 10 मीटर. व्हाट इज देयर स्पीड, स्पीड कितना होगा. टाइम टेकन इज गिवन टू यू फॉर 10 मिनट. ए का दिया है कितना है, रूट टू. डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्क्वेयर करो उसका 10/√2. रूट टू का स्क्वेयर हो जाएगा 2, 10 का स्क्वेयर हो जाएगा 100 मीन्स 50. कितना आएगा फिर इसका, 10/√2. यहाँ पे आपको किसका स्पीड दिया हुआ है, सब ए का. स्पीड इज गिवन टू यू. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट ए टू कवर द डिस्टेंस. टाइम यू हैव टू फाइंड आउट, स्पीड इज गिवन. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. 20/20 मीन्स 1 मिनट. देन अगेन 100, 2√5, स्पीड ऑफ द 20√5 एंड योर टाइम टेकन इज 2√5. डिस्टेंस ट्रेवल 100 मीटर, स्पीड इज गिवन 100/20√5. टाइम टेकन इज गिवन टू यू. यू हैव टू फाइंड आउट द ग्राफ. आपको ग्राफ प्लॉट करना है, उसमें किसका ग्राफ प्लॉट करोगे, टाइम्स पोजिशन टाइम, स्पीड टाइम एंड पोजिशन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल फॉर्मूला. आई एम टेलिंग यू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस फॉर्मूला से आप इस सारे टेबल में इस वैल्यूज पुट अप करोगे. ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट, देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ. थैंक यू.